कर्नाटक में भी बीजेपी को मिल गया अजीत पवार। मुश्किल में दिख रही है डेढ़ महीने पुरानी सिद्धारमैया सरकार। कुमार स्वामी का दावा, कर्नाटक में भी हो सकता है ऑपरेशन लोटस। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी के निशाने पर कौन सा राज्य है, कहां बीजेपी विरोधी दल में सेनमारी की तैयारी चल रही है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। दावा हो रहा है कि अगला नंबर बिहार का है। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से पार्टी के सांसद विधायक नाराज हैं, तो दूसरी पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि अब की बारी टीएमसी की है, ममता सरकार 3 महीने में चली जाएगी, तो कई लोग हिमाचल को लेकर भी दावा कर रहे हैं। यानी जो सरकार 6 महीने पहले ही बनी है उस पर भी संकट दिख रहा है। लेकिन इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने बड़ा दावा किया है। कुमार स्वामी ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हुए चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा। दरअसल कर्नाटक में भी कुर्सी को लेकर विवाद हुआ था। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम पद को लेकर दिल्ली तक लड़ाई पहुंच गई थी। एक ओर सिद्धारमैया पहले ही साफ कर चुके थे कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, तो दूसरी ओर डीके शिवकुमार के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुआ था और डीके पार्टी से अपना इनाम मांग रहे थे, लेकिन बाजी सिद्धारमैया के हाथ लगी। डीके के समर्थक दावा कर रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा ढाई ढाई साल का हुआ है, लेकिन सिद्धारमैया के समर्थक ऐसे किसी भी समझौते से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से टकराव शुरू हो सकता है। डीके शिवकुमार राज्य में डिप्टी सीएम है, ऐसे में कुमार स्वामी का संकेत क्या डीके शिवकुमार की ओर है? उनके खिलाफ पहले से ही ईडी का मामला चल रहा है, वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और भविष्य में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उन पर दबाव तो बना हुआ है, लेकिन ये भी साफ है कि डीके शिवकुमार कट्टर कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। जब कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय भी डीके पर बीजेपी के साथ जाने का दबाव था, लेकिन डीके ने हर दबाव को सहन किया। उन्होंने गिरफ्तार होना स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस छोड़ने की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया था। सिद्धारमैया पहले से ही सीएम है, ऐसे में उनके बगावत करने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। फिर कुमार स्वामी का इशारा किस ओर था, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को छोड़कर किसी भी नेता के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को अपने साथ ला सके, और कर्नाटक में तो पहले से ही कांग्रेस के पास बड़ा बहुमत है। अगर 2 दर्जन विधायक भी दल बदलते हैं तो उस स्थिति में कांग्रेस सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस के पास बीजेपी से 2 गुने से भी ज़्यादा विधायक हैं। ऐसे में कुमार स्वामी का दावा हवाई लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी नेता भी अभी इसको लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। चुनाव में मिली हार के बाद से ही कर्नाटक बीजेपी में रार फैली हुई है, अभी तक हार को लेकर ढंग से मंथन ही नहीं हो पाया है। पार्टी ये जरूर मान रही है कि कांग्रेस जिस तरह का चुनाव प्रचार अभियान कर्नाटक में चलाया था उसका बीजेपी जवाब नहीं दे पाई, जिस कारण से हार गई। कांग्रेस ने बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार को जमीन तक पहुँचा दिया था, जबकि बीजेपी की सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर पाई थी। ऐसे में दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया जा सके। लोकसभा चुनाव के बाद ज़रूर बीजेपी कोई कोशिश कर सकती है। वैसे इस बात के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में पहली बार बीजेपी और जेडीएस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।